नमस्कार, मी वैष्णवी। आपण पाहत इंडियन टीव्ही न्यूज। इंडियन टीव्ही न्यूजच्या बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे। चला तर नजर टाकूयाच्या काही विशेष घडामोडींवर। बंगाली संघ अंबरनाथ या संस्थेतर्फे लहान मुलांसाठी त्यांच्या बुद्धिमत्तेला चालना देत त्यांच्यातली क्रिएटिव्हिटी वाढवण्यासाठी ड्रॉईंग कॉम्पिटिशनचं आयोजन करण्यात आलंय। गेल्या 80 वर्षांपासून ही संस्था सामाजिक कार्यात अग्रेसर आहे। आज सागायत या बंगाली संघातर्फे अनेक विविध सामाजिक कार्य करत आहेत। आजच्या युगात जिथे लहान मुलं फक्त मोबाईलमध्ये अडकून आपल्या कलागुणांना चालना देत नाहीत, तिथे या संस्थेमार्फत ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन सारखे उपक्रम लहान मुलांसाठी राबवले जात आहेत। या ड्रॉईंग कॉम्पिटिशनमध्ये 1300 पेक्षा अधिक मुलांनी सहभाग घेतला। या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून सुबोध पोतदार, या संस्थेचे चेअरमन सुरोजित रॉय, समाजसेवक सचिन कुंजा तसेच अनेक उद्योजक, समाजसेवक आदी मान्यवर उपस्थित होते। ब्युरो रिपोर्ट, इंडियन टीव्ही न्यूज। अभी तक 1300 बच्चे रजिस्टर कर चुके हैं और हम लोग सभी सुरजीत रॉय हमारे ट्रस्टी बोर्ड चेयरमैन उनके अंडर में 40 साल से हम लोग अभी ये ड्राइंग कंपटीशन करवाते चले आ रहे हैं और इस साल तो 1300 लोगों ने रजिस्टर करके इस कंपटीशन की शान बढ़ा दी है। तो इसीलिए हमको बहुत गर्व है हमारे संघ के ऊपर कि ये बंगाली संघ अंबरनाथ हमारे आगे बढ़ते चले जा रहा है और लोग हमारा साथ दे रहे हैं। कम से कम 50-60 स्कूल्स हमारे पास आए हैं जो रजिस्टर कर चुके हैं और वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बच्चे सारे पेंसिल और स्केच, ड्रॉ एंड कलर, ये दोनों इसमें वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा उत्साह बच्चों में दिख रहा है कि सुबह 8 बजे से पहले पेरेंट्स आकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए खड़े हो गए थे और हमारा कारवां शुरू है, अभी भी चल रहा है ये। तो कितने सालों से आपका ये 40 साल हो चुके हैं हमको, ये 40th ईयर चल रहा है हमारा जो हम ड्राइंग कंपटीशन हर साल करवाते हैं और इन बच्चों को हम प्राइज देते हैं और उसके साथ में हम एक टैगोर ट्रॉफी भी देते हैं उन स्कूल को जो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, जो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट्स भेजते हैं उनको हम लोग एक टैगोर ट्रॉफी भी देते हैं बंगाली संघ अंबरनाथ की तरफ से। तो हाँ जी, हम लोग प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन इसका दुर्गा पूजा के टाइम पर करते हैं। हमारा दुर्गा पूजा बहुत ही लार्ज स्केल पर ऑर्डिनेंस के ग्राउंड में होता है जहाँ पर इस बार हम लोग 80 साल मनाने वाले हैं। 80th दुर्गा पूजा जो है वो हमारा आज साल होने वाला है, तो वहाँ पर हम लोग ये इसका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वहीं पर करेंगे सब लोगों। मैं ये बताना चाहूंगी बच्चों, जो भी आप में स्किल है और इवन ये पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि आप लोग जो भी स्किल आपके बच्चे में है उसको आप बढ़ावा दीजिए। ये प्लेटफॉर्म हमने उसी के लिए क्रिएट किया है कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप लोग आइए, बच्चों को ये पार्टिसिपेट करने का मौका दीजिए और देखिए कि बच्चा कहाँ तक इस कंपटीशन में पहुंचा है और कितना आगे जा सकता है। तो यही हम मेरी बच्चों से भी और पेरेंट्स से भी यही प्रार्थना है कि जरूर पार्टिसिपेट करवाइए हर प्लेटफॉर्म पर जहाँ भी उन्हें मौका मिले। आज स्कूल में कंपटीशन लगाया गया, इसी तरह बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए हमेशा ये स्कूल कार्यक्रम आयोजित करता है। ये हमारा बंगाली संघ जो एक संस्था है, आज ये 80 बरस से काम कर रहा है। इंडिपेंडेंस के पहले से जो है ये छोटे छोटे सोशल काम में आए थे। आस्ते आस्ते जो है अभी हम स्कूल के बच्चों के फीस के लिए स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड की फीस भरे हमने इस साल जो है, और ड्राइंग का जो हमने एक एम रखा है, इससे क्या होता है हर एक बच्चों का एक दिमाग फ्रेश हो जाता है कि उनको कहाँ जाना है, क्या जाना है। पढ़ाई के साथ में ड्राइंग एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारी संस्था जो है 40 ईयर्स से ये कर रही है और आगे भी हम करते रहेंगे। सर, आप नए बच्चों को क्या इंकरेज करेंगे आपके स्कूल के माध्यम से? नए बच्चों को हम ये इंकरेज करना चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ में हर कोकुलर एक्टिविटीज आप करो। ये जो घर में बैठ के आप खाली मोबाइल पे खेलते हो वो छोड़ के जो है आप आउटसाइड गेम्स जैसा स्पोर्ट्स ये सब में आ जाओ। ये और ड्राइंग का भी एक कहते हैं हम सेशन रखते हैं तो लोग वो भूल के क्या है जिसके अंदर जो आर्टिस्ट है वो उभर के आता है और आगे जाके उनको बड़ी बड़ी संस्था उनको मौका देती है। बंगाली BSA अंबरनाथ बंगाली संघ यांच्या माध्यमातून जे 40 म्हणजे 40 वर्ष हे जे ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन आज घेण्यात येत आहे, अशा साधारण एक 50-60 विद्यार्थ्यांनी आतापर्यंत याचा लाभ घेतलेला आहे आणि 1000-1200 मुलांना याच्या कॉम्पिटिशनमध्ये सहभाग होण्यासाठी आवाहन करण्यात आलेलं आहे।
बंगाली संघ असे अनेक उपक्रम अंबरनाथ शहरामध्ये राबवत आहे। असेच कार्यक्रम बंगाली संघाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या उप माध्यमातून होत आहे आणि पुढे देखील त्यांनी असेच कार्यक्रम घ्यावा अशी माझी त्यांना विनंती। या होते इंडियन टीव्ही न्यूज। तुम्हाला आमच्याशी संपर्क साधायचा असल्यास स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकाशी संपर्क साधू शकतात।